Okay, good morning to you all. Hello. Okay, today I'm going to start a new chapter of Bihar Board class 12. It is a poem, and the name of the poem is Epitaph, and it has been written by Walter de la Mare. And what he wants to say in the poem is that, first of all, we are going to know about the title of the poem. The title is Epitaph. Epitaph का मतलब होता है कबर लेख. आप देखते होंगे कि बहुत सारे क्रिश्चियंस जो है, ईसाई जो है, या हमारे मुसलमान समाज के जो लोग होते हैं, मृत्यु के बाद वो दफना देते हैं, और दफनाने के बाद वो जो है कबर के ऊपर वहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी को हम लोग Epitaph कहते हैं. तो ये जो टाइटल है Epitaph, वाल्टर डे ला मेयर ने लिखा है. इसका मतलब मैंने आप लोगों को समझाया है. Epitaph का मतलब होता है कबर लेख. ठीक है, कोई कोई शिला लेख भी बोला जाता है, मतलब पत्थर पे कुछ लिख कर उस शिला लेख भी कह सकते हैं. एंड यहाँ पर द पोइट वाल्टर डे ला मेयर ही सेस कि मैंने एक Epitaph देखा और उसमें जो है लिखा हुआ है कि यहाँ पे हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी वेस्ट काउंट्री की. मतलब यहाँ पे एक लेडी है जो वेस्ट काउंट्री से, यानी पश्चिमी देश से संबंध रखती है, जो बहुत ही खूबसूरत थी. मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट. और वो बहुत ही अच्छी थी. ये वाल्टर डे ला मेयर नहीं बोल रहे, ये यहाँ पे लिखा है इस कबर लेख में कि यहाँ पर इस कबर के नीचे अंदर जो है एक लेडी है जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी थी, हर जगह घुमा फिरा करती थी, हर सुख दुख में वो शामिल हुआ करती थी. हाँ, और ये जो पोएम बहुत छोटा सा है, जब ये ख़त्म होता है तो वाल्टर डे ला मेयर नहीं बल्कि उस कबर लेख पे लिखा हुआ है कि अगर मैं क्रम्बल कर जाऊँ, क्रम्बल का मतलब अगर मैं ढह जाऊँ, वो कबर लेख अगर ढह जाए तो फिर इस लेडी के बारे में कैसे किसी को पता चलेगा. ब्यूटी जो है बहुत ही, मतलब ब्यूटी होता है बहुत सारी चीज़ों में ब्यूटी है, लेकिन कितना भी खूबसूरत कोई चीज़ क्यों ना हो, वो खूबसूरती जो है हमेशा के लिए नहीं रहता, हमेशा परमानेंट नहीं रहता है. वो उसकी जो खूबसूरती है कभी ख़त्म हो जाता है. और यहाँ पे जो है भले ही ये लेडी जो मेरे मतलब कब्र के अंदर जो है मर गई है, वो बहुत खूबसूरत है और इतनी अच्छी है कि उसकी गुणगान मैं नहीं कर सकता. इस कब्र पे लिखा है जिसने भी लिखवाया होगा. और अगर ये कब्र ढह जाए तो फिर इस लेडी के बारे में कैसे लोगों को पता चलेगा. तो यही था वाल्टर डे ला मेयर का पोएम एन Epitaph. यहाँ पे कब्र लेख के बारे में बात हो रहा है कि कैसे कब्र पे लिखा हुआ है लेडी के बारे में, और वो कब्र अगर ढह जाए तो फिर उस लेडी के बारे में, उस खूबसूरत लेडी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा. थैंक यू, बाय.